नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दोबारा। आप देख रहे हैं जो इस वक्त हो गया है खबरों की खबर। आईजी बॉम्बे की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस स्टडी में पता चला है कि कैसे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक और कुछ बड़े बैंक गरीबों के खातों से सर्विस के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। आईटी बॉम्बे की इस स्टडी में बताया गया है कि सेविंग अकाउंट हो या जनधन खाता, ये बड़े बैंक गरीबों से कैसे पैसे वसूली कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि देश के ये बड़े बैंक सर्विस के नाम पर गरीबों की मेहनत की कमाई पर कैसे लगातार टाका डाल रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की बात की जाए तो इस बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खाता धारकों से हर 4 निकासी के बाद प्रत्येक विथड्रॉल पर 17.70 रुपए का चार्ज काटा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने 12 करोड़ BSBD अकाउंट होल्डर से सर्विस के नाम पर पूरे 308 करोड़ रुपए की वसूली की है। बैंक ने 308 करोड़ की रकम 6 साल में वसूली है। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक का हाल क्या है। गरीबों का पैसा लूटने में केवल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक मतलब कि SBI ही नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक भी पीछे नहीं है। इस बैंक के पास BSBD खाता धारकों की संख्या 3.9 करोड़ की है, जिनसे इस बैंक के सर्विस के नाम पर 9.9 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। दरअसल ये बैंक छोटी छोटी रकम लोगों के खातों से काट कर एक मोटी रकम इकट्ठा कर लेते हैं और ग्राहकों को पता भी नहीं चल पाता है। RBI के नियमों का हो रहा है उल्लंघन। IIT बॉम्बे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बड़े बैंक RBI के नियमों का भी खुला उल्लंघन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक RBI के नियमों के उल्लंघन करने में सबसे पहले SBI का ही नाम सामने आता है। इस बैंक ने यहाँ तक कि डिजिटल लेन देन में भी ग्राहकों को 4 निकासी के बाद 17.70 करोड़ रुपए का चार्ज वसूला है। 6 साल में 308 करोड़ रुपए की वसूली बकायदा की है। SBI ने 2015 में 4.7 करोड़ रुपए की वसूली की है। SBI ने 2016 में 12.4 करोड़ रुपए की वसूली की है। SBI ने 2017 में 26.3 करोड़ रुपए की वसूली की है। SBI ने 2018 में 34.7 करोड़ रुपए की वसूली की है। SBI ने 2019 में 72 करोड़ रुपए की वसूली की है और SBI ने 2020 में 158 करोड़ रुपए की वसूली की है। अब बात करते हैं कि इन चार्जों के नाम पर बैंक वसूली करती है ग्राहकों से। बैंक स्टेटमेंट के नाम पर, बैलेंस चेक करने के नाम पर, मिनी स्टेटमेंट पर भी लगता है चार्ज। लिमिट विड्रॉल के बाद होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच के नाम पर भी वसूली करते हैं। मोबाइल अलर्ट या पिन जनरेट करने के नाम पर भी वसूली करते हैं। नया ATM कार्ड लेने पर भी वसूली करते हैं। चेक का स्टेटस जाने पर भी वसूली करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के चार्ज पर भी वसूली करते हैं। कार्ड पिन रीसेट करने के चार्ज पर भी वो वसूली करते हैं, जिससे बेवजह जो ग्राहकों का पैसा है वो बैंक के पास जाता है और ग्राहकों को पता भी नहीं चलता है। क्या कहता है RBI का नियम? भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक BSBD अकाउंट यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जब तक सेविंग अकाउंट पे है, कोई भी बैंक इस खाते पर किसी तरह का चार्ज नहीं वसूल सकता है। RBI के नियमों के मुताबिक बैंक इस तरह के खातों पर किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगा सकता है। 4 निकासी के बाद भी इन पर कोई शुल्क लेना सही नहीं है। अब बात करते हैं क्या कहते हैं जानकार इस पूरे मामले पर। बैंकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह के खाते ही नहीं बल्कि कई और भी खातों को लेकर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल बैंकों में सर्विस चार्ज सिस्टम जनरेट लगते हैं। बैंक समय समय पर गलत लगे चार्ज को वापस भी करते हैं। यदि किसी खाते में कोई चार्ज गलती से लगता है तो खाता धारक को बैंक को सूचित करना चाहिए ताकि बैंक उसे रिवर्स कर सके। तो यदि खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर, तब तक नमस्कार।